Hello friends, welcome to my channel and a very very good morning to all of you. तो ये मेरे last Wednesday 30th October उस दिन के morning का routine है. मैं ये vlog पहले post नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे winter start हो गई है और साथ में यहाँ का जो ठंड है वो ज़बरदस्त होता है, बहुत ठंड होती है. हमारे health में उसका impact थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, वैसा ही मेरा भी हुआ है. मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो इसलिए मैं ये व्लॉग पहले पोस्ट नहीं कर पाई. एक्चुअली फ्राइडे हमारे घर में एक गेट टुगेदर था, इसीलिए क्लीनिंग का जो पार्ट है वो मैंने दो दिन पहले से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जिस दिन हमारे घर में फंक्शन या पार्टी वगैरह रहता है उस दिन क्लीनिंग का कुछ भी हम कर नहीं सकते क्योंकि फुल्ली हम किचन में बिजी रहते हैं. तो इसीलिए मैं यहाँ पे, तो मैंने वेडनेसडे को रोहन का रूम मैंने क्लीन किया था और थर्सडे को जो बाकी हमारा रूम था और किचन काउंटर जो थे तो वो मैंने क्लीन किए. तो रोहन का जो बेड है इसके ऊपर काफ़ी सारा सामान है, क्योंकि मैंने जब लिविंग रूम क्लीन की थी तो उसके कुछ एक्स्ट्रा सामान जो थे मैंने यहाँ पे लेके रख दिए, इसके अलावा स्पेस नहीं था. तो बस उसी की अभी सफाई चल रही है, ये आज मैं क्लीन कर दूँगी. और रोहन का भी उस टाइम पर स्कूल हॉलीडेज था 1 वीक का, तो वो भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा है और काफ़ी खुश है कि गेस्ट आने वाले हैं घर में. और बस मैं भी उसको घर के छोटे मोटे कामों में उसको इन्वॉल्व करती हूँ तो उन्हें भी वो सेंस आए, वो फील आए कि हमें भी घर के कामों में थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए. तो वो भी मुझे कुछ कुछ चीज़ों में हेल्प कर रहा है. लेकिन छोटी छोटी चीज़ अगर बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ मिल के करें तो उनका जो हेल्पिंग नेचर है वो भी धीरे धीरे डेवलप होता है. और आफ्टरनून में रोहन के फ्रेंड्स आए, क्योंकि अभी सभी के हॉलीडेज चल रहे हैं तो ये टाइम ही है उनके पास खेलने के लिए, तो वो लग गए अपने खेल में. Hello friends, welcome back to my channel and a very very good evening to all of you. तो आज next day है, आज है Thursday
और यहाँ पे अभी टाइम 4:30 हो रहा है, तो बस अभी डेलाइट सेविंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 3-4 दिन पहले से ही तो, और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है 5 बजे के करीब, 5:15 के करीब अंधेरा हो जाता है। वैसे समर टाइम में इंडिया के साथ यूके का जो टाइम डिफरेंस है वो है 4 hours 30 minutes का, और विंटर में वो 1 hour और एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अभी है 5.5 घंटे की टाइम डिफरेंस। जब बात आती है कि हम अपने घर में बात करें, घर वालों से बात करें, तो उस जगह पे जाके थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे अगर शाम है तो वहाँ पे रात है, फिर भी 4.5 घंटे में हम टाइम मैनेज करते थे है कि अभी फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, लेकिन तब वहाँ पे इतना टाइम हो जाता है कि उस टाइम पे फ़ोन करना ठीक नहीं लगता। तो बस इसी तरह से यहाँ पे चलता है। एक्चुअली कल हमारे घर में एक गेट टुगेदर है, तो कुछ गेस्ट आ रहे हैं, बस उसी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो रूम क्लीनिंग वगैरह की जो भी क्लीनिंग का काम था वो मैंने कल से स्टार्ट कर दिया। तो कल मैंने रोहन का रूम क्लीन किया, तो आज मॉर्निंग तो नहीं स्टार्ट करते करते 11:30 हो गई थी, तो उस टाइम से मैंने हमारा जो रूम है वो मैंने पूरा क्लीन किया, तो काफ़ी टाइम लग गया वो क्लीन की। और बाकी किचन के भी कुछ कबर्ड्स थे वो सारे मैंने क्लीन किए, तो ये सारा काम था। एक्चुअली ये करना था मुझे लेकिन हो नहीं पा रहा था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करूं। तो अच्छा हुआ कल हमारे घर में हमारे कुछ फ्रेंड्स, हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो उससे पहले लगे हाथों सारी क्लीनिंग भी हो गई। वैसे डस्टिंग तो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो काफ़ी दिनों से, मतलब ये पूजा जब से स्टार्ट हुआ है, दुर्गा पूजा, उसके बाद से उतना रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा था। वैसे मैं डस्टिंग ऑल्टरनेट डेज में करती हूँ, लेकिन गैप हो रहा था, काफ़ी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली सारा क्लीनिंग मेरा हो गया है, सारे रूम की क्लीनिंग, दो बेडरूम फिर किचन कबर्ड सारे क्लीन हो गए। तो कल होल डे मैं कुकिंग में बिजी रहूँगी, तो कल इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं एक दिन पहले ही जो भी काम है ये सारी चीज़ें मैं फिनिश कर लूँ, तो थैंकफुली वो भी हो गए हैं। और अभी सच में काफ़ी टायर्ड लग रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा बैठूँगी, बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद मैं आज का जो हमारा डिनर है वो मैं बना लूँगी, सिर्फ एक मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसके बाद मैं कल के जो भी प्रिपरेशन है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टार्ट कर दूँगी, मसाले वगैरह की जितनी प्रिपरेशन है वो मैं स्टार्ट करूँगी। मसालों का प्रिपरेशन, मसाले वगैरह बनाना अगर हम पहले से एक दिन पहले थोड़ा बना के रखना स्टार्ट करें, तो जिस दिन हमारे घर में फंक्शन है उस दिन उतना ज़्यादा काम नहीं रहता, कुकिंग का तो काम रह कुकिंग तो है साथ में, तो ये अगर थोड़ा सा पहले से रेडी रहे तो बहुत आसानी होती है। तो बस वही सारी प्रिपरेशन मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी। तो उस दिन काफ़ी रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैं उस ब्लॉग को उस दिन और कंटिन्यू नहीं कर पाई, और नेक्स्ट डे ही हमारे घर में फंक्शन था, तो मॉर्निंग से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसीलिए मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई उस दिन मॉर्निंग से। लेकिन हाँ, शाम के टाइम पे जब थोड़ा सा टाइम मिला तो उस टाइम पे मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए जब गेस्ट आए या फिर उनके आने से पहले, तो बस वही मोमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। Thank you.
और ये है स्पेशल डिनर हम सबके लिए जो मैंने प्रिपेयर किया है। और सीरियसली हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और उन्होंने खाने को भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी पसंद किया। सीरियसली जब आप दिल से कुछ बनाते हो अपना 100% देके और वो चीज़ सबको बहुत पसंद आती है, सब बहुत अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं होती। तो तब जाके लगता थे वो सक्सेसफुल है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। तो इस तरह से उस दिन का हमारा इवनिंग बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया हमने। आई बिलीव आपने भी इस ब्लॉग को काफ़ी इंजॉय किया है। तो फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरे अपकमिंग नए वीडियोज़ या व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।